भी नहीं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने की सोच के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे लिए भावुक क्षण है। इससे पहले जब भी ये सर्टिफिकेट हाजीपुर के नाम के साथ जब भी हाथ में थामा तो उसमें मेरे पिता का नाम रहता था, आज उनकी जगह मेरा नाम है। मेरे लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक भावुक पल भी है। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ, और मैं मानता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी होंगे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। आज उनके कार्यों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ आया हूँ। ऐसे में ये शक्ति भी वही मुझे देते हैं आगे बढ़ने की। आज मैंने, मेरी पार्टी ने जो एक बड़ी जीत हासिल की है मेरे नेता के आशीर्वाद की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये सर्टिफिकेट मेरा, ये जीतना सब उन्हीं को समर्पित है। मेरे लिए बड़ी बात है, मेरी पार्टी के लिए बड़ी बात है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, एक पार्टी जिसको जिसको तोड़ दिया गया, नई पार्टी के साथ मैंने शुरुआत की, एक नए नाम के साथ मैंने शुरुआत की, एक नए सिंबल के साथ मैंने शुरुआत की। हाजीपुर की ये वो धरती है जो कि सन 2000 से मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को चुनती आ रही है, पार्टी की रग रग से वाकिफ है। ऐसे में एक नए सिंबल के साथ हाजीपुर आना, जहाँ पे लोग बंगला झोपड़ी को अपनी पहचान मानते थे, मेरे पिता के साथ जोड़ कर देखते थे, ऐसे इतने कम समय में नए नाम, नए सिंबल को जनता तक पहुँचाना, ना सिर्फ हाजीपुर बल्कि जमुई, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, हमारी तमाम सीटों पर जनता का जो प्यार देखने को मिला, बहुत से चैनल्स पे क्लोज फाइट है, ये है, फलाना ढिमकाना, तमाम तरीके की बातें, पर तमाम हमारे पांचों प्रत्याशी जिस मार्जिन के साथ जीते हैं, ये जनता के उस विश्वास को दर्शाता है जो जनता ने मुझ पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर जताया है। जनता के इस विश्वास पर पूर्णतः खरा उतरूंगा, इस सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये वादा करता हूँ कि हाजीपुर में खास तौर पर अपने पिता के तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूँ। हाजीपुर के लिए सवाल है, आपको जो हाजीपुर के जनता ने अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ने का मौका दिया, 89 में उनको जो मत आई थी उससे ज़्यादा मत इस बार 24 में आपको आ गया। मेरे लिए ये सिर्फ जनता का आशीर्वाद है। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मैं वोट पाने की मंशा के साथ मैं हाजीपुर नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार, उनका आशीर्वाद जीतने आया हूँ। चुनाव जीतने नहीं, दिल जीतने आया हूँ। और अगर आज अगर ये मैं दिल जीत पाया और इतना भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। देश में जो आंकड़े आए हैं, नतीजे आए हैं, उसको लेकर के तमाम एनडीए के कई नेताओं को ट्वीट करना पड़ रहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, क्या कुछ खेल चल रहा है क्या? नहीं, कोई खेल नहीं चल रहा है। आपने भी ट्वीट, ये एनडीए को ट्वीट करने की जरूरत नहीं, ये समर्पण है हमारे नेतृत्व के प्रति, अभी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति। हर एक घटक दल पूर्ण समर्पण के साथ उनके नेतृत्व को स्वीकार करता है। ये औपचारिकता वर्ष ही आप मानिए कि हर घटक दल ने आज जो बातें कही, मेरे समर्पण को आप मेरे प्रधानमंत्री के प्रति पहले से ही जानते हैं, उसको मुझे शब्दों में कहने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, पूरा एनडीए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट मजबूती से खड़ा है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, साथ मिलकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और साथ मिलकर ही ये सरकार 5 साल तक मजबूती से चलेगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लेकर चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के लोग भी हमारे साथ आ गए। विपक्ष ख्याली पुलाव पका रहा है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को विपक्ष साधने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके का संशय, भ्रम पैदा करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है ताकि वो अपने हितों को साध सके। ऐसा संभव होने नहीं वाला। जैसा मैंने कहा, एनडीए ने मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ा, सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार 5 साल तक मजबूती से चलेगी। बधाई, याद है ना क्या बोले थे? उनको याद दिलाने की जरूरत है आप लोगों को। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी, क्या हार की, क्या अब वो जीत की मुझे मुबारकबाद देंगे, या आप सवाल उन्हीं से पूछिएगा।